but this could be his most heroic innings yet. पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी अपना 39वां बर्थडे मना रहे हैं। लंबे लंबे छक्कों और अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए मशहूर इस पाकिस्तानी नवाब के प्रशंसकों की कमी नहीं है। कोई उनकी बैटिंग पर फिदा है तो कोई उनके लुक पर जान छिड़कता है। अफरीदी को उनके फैंस बूम बूम अफरीदी बुलाते हैं तो उनके साथी खिलाड़ी लाला कहकर पुकारते हैं। 22 साल पहले शाहिद ने एक ऐसा कारनामा किया था जिसकी मिसाल तकरीबन 2 दशक तक दी गई। अफरीदी ने 4 अक्टूबर 1996 को एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ने में बाकी खिलाड़ियों को 18 साल लग गए। बूम बूम अफरीदी ने महज 16 साल की उम्र में 37 गेंदों में क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा था। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड 18 साल बाद टूटा। अफरीदी के रिकॉर्ड को न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने तोड़ा, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2014 में सिर्फ 36 गेंदों में सेंचुरी ठोक डाली। शाहिद अफरीदी का जन्म 1 मार्च 1980 को पाकिस्तान के खैबर एजेंसी प्रांत में हुआ था। पिच पर आते ही बॉलर्स की धुनाई करने वाले स्पिनर अफरीदी ने गेंदबाजी में भी कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। अफरीदी ने वनडे करियर में 8064 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनके नाम 395 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड है। अफरीदी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 8000 रन और 350 से ज्यादा विकेट लिए हैं। शाहिद अफरीदी ने 1996 से 2015 तक 398 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें उन्होंने 369 पारियां खेली और 27 बार नॉट आउट रहे। वनडे इंटरनेशनल में अफरीदी के नाम 351 छक्के जड़ने का विश्व रिकॉर्ड है। अफरीदी के अलावा किसी भी खिलाड़ी ने 300 का आंकड़ा भी नहीं छुआ है। लोकमत टीम की तरफ से शाहिद अफरीदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।